नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि किस तरीके से दुबई ने जो है वो कोविड पे कंट्रोल पा लिया है, सारा बिजनेस ओपन हो गए, सारे ऑफिसेस ओपन हो गए। किस तरीके से आपको भी शायद ये वीडियो देखकर सोच आ रही होगी कि किस तरीके से इन्होंने, शायद आपको लग रहा होगा कोई टेक्नोलॉजी हो गई या बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। तो आज मैं कुछ रीजंस आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये जो है ये कंट्रोल में आ गया। ओके, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम इसके पीछे था, काफ़ी सारे थे, मगर सबसे बड़ा जो है ये लोगों ने खुद यहाँ पे जो है सावधानी बरती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे गैदरिंग जो होते थे वो बंद हो गए, मतलब लोग इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंसिंग ना होना, मास्क ना होना, ये अभी यहाँ पे नहीं होता है। अब अगर आप नॉर्मली भी यहाँ पे बाहर जाते हो तो आपको यहाँ पे सारे बंदे सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन कर रहे हो दिखते हैं और मास्क पहने हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर इवन आप किसी सुपरमार्केट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको यही फॉलो। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अगर ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे नहीं फॉलो किए तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा जुर्माना देने का टाइम आ सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से जुर्माने यहाँ पे बनाए गए हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और ये काफ़ी सारे लोगों को लग भी गया है। अगर यहाँ पे आप इस तरीके से रूल फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे ये इतना जुर्माना आपको लग सकता है। तो मैं दिरहम्स प्लस इंडियन रुपीस में आपको ये जुर्माना बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। अगर यहाँ पे मास्क आपने ठीक तरीके से नहीं पहना है, ठीक है, लाइक कोई लोग यहाँ पे चिन पे पहन देते हैं, कोई ऐसे ही दिखाने के लिए बस यहाँ पे छोड़ देते हैं, या कोई लोग अपना मास्क पॉकेट में रख देते हैं, कोई लोग अपना मास्क होता है फ्लैट में नीचे आ जाते हैं, तो उन लोगों को अगर यहाँ पे पकड़ लिया जाता है तो उनको है 3000 का जुर्माना, 3000 दिरहम्स, वो हो जाते हैं इंडियन रुपीज़ में 60,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप मास्क नहीं पहना है या ठीक तरीके से नहीं पहना है, ऑन द स्पॉट आपको 3000 दिरहम्स का फाइन है, जो आपको उस टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप जब भी कंट्री यहाँ से एग्जिट करोगे वो पैसे आप दिए बिना यहाँ से जा नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे बहुत कंपलसरी है दोस्तों। हर शॉप में, हर सुपरमार्केट में जो है वो लिमिटेशंस लगाए गए हैं, मतलब उस शॉप में अगर पहले 10 लोग एंटर हो सकते थे तो अभी जो है वो चार लोग ही एंटर हो सकते हैं। जब वो चार लोगों में से लोग बाहर आना शुरू होंगे तभी बाकी के लोग एंटर होंगे। एंटर होने टाइम भी यहाँ पे थर्मल टेस्टिंग काफ़ी जगह पे होती है दोस्तों, लाइक अगर आप किसी सुपरमार्केट में जा रहे हो कुछ सामान लेने के लिए तो वहाँ पे थर्मल टेस्टिंग करके ही आपको अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उस हिसाब से ही आपको अंदर छोड़ा जाता है। ये है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे कार ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके कार में अगर मोर देन 3 पीपल्स है, इंक्लूडेड ड्राइवर, ओके, जो भी ड्राइवर होगा उसको पकड़ के अगर 3 लोग अलाउड है सिर्फ यहाँ पे, अगर 3 से ऊपर अगर आपके कार में लोग बैठे हैं तो भी आपको हर बंदे को 3000 का जुर्माना है, मतलब सबको जो है पर्टिकुलर 3000 जुर्माना सबको लगेगा दिरहम्स में, वो होता है इंडियन रुपीज़ में 60,000 का जुर्माना। ठीक है, तो लिमिटेशन से, मतलब कार में जिस तरीके से इन्होंने 3 लोगों का लिमिटेशन बनाया है उस तरीके से इन्होंने बस में भी या बड़ी गाड़ियों में भी इस तरीके से लिमिटेशन बनाया। अगर ये पॉइंट्स में हर कोई पॉइंट आपको क्लियर करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट ही बस कवर करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों हर बिल्डिंग में जो है ना वो कोविड टेस्ट लेने के लिए लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो आपके बिल्डिंग में आके आपके रूम में आके आपका कोविड टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अगर आप कोविड टेस्ट के लिए रिफ्यूज करते हो तो भी आपको 3000 दिरहम्स का फाइन है, मतलब आप कोविड टेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, एट एनी कॉस्ट आपको कोविड टेस्ट करनी ही पड़ेगी। इवन आपकी कल हो,
हुई हो पहले वाली, या 2-3 दिन पहले भी आपने कोविड टेस्ट की हो तो भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप रिफ्यूज़ करते हो तो आपको 3000 dirhams मतलब 60,000 रुपये का जुर्माना है दोस्तों, ठीक है। बस में भी इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग अभी मेंटेन की जा रही है, मतलब 2 सीट होंगी तो आप बस 1 सीट पर ही बैठ सकते हो, बाकी की जो दूसरी वाली सीट होगी वो खाली होगी, पीछे वाली भी 1 खाली होगी और 1 बंदा बैठा होगा। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से बस में भी कवर की जा रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अगर आप कोई सोशल या पब्लिक गैदरिंग अगर अटेंड करते हो आप, ठीक है, कोई भी पब्लिक या सोशल गैदरिंग, वैसे होती तो नहीं है अभी यहाँ पे कोई ऐसे, तो भी आपको 5000 dirhams का फाइन है, ठीक है। 5000 dirham मतलब हो गए इंडियन रुपीज 1 लाख, अराउंड 1 लाख होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई छोटी सी मोटी सी पार्टी रखते हो और गेस्ट को इनवाइट करते हो सकता है कोई मैरिज हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, इस तरीके से कुछ भी अगर आप गेस्ट इनवाइट करते हो, आप होस्ट कर रहे हो कोई पार्टी, तो भी आपको 10000 dirham का फाइन है। 10000 dirham होते हैं इंडियन रुपीज में 2 lakhs, ठीक है, 2 lakh, अराउंड 2 lakh रुपीज होते हैं। वो आगे पीछे थोड़ा पॉइंट में फर्क हो सकता है, मैं एक टेंटेटिव अमाउंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे दो या तकरीबन काफ़ी सारे ऐप्स अभी गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिए है, जिस पे आपको बहुत सारी जानकारी जो है ना वो COVID-19 रिलेटेड मिलती है। इवन आपका टेस्ट भी अगर हुआ हो तो भी उसमें वो शो करता है, उसका नाम है अलहोसन ऐप। इस तरीके से अगर ऐप आप डाउनलोड करने से भी रिफ्यूज़ करते हो, ठीक है, आपको किसी ने बोला कि ये ऐप आप डाउनलोड करो, नॉर्मली सबके पास वो ऐप है, ठीक है, अगर आप वो ऐप डाउनलोड करने से रिफ्यूज़ करते हो तो भी आपको 10000 dirham का फाइन है, वो भी हो जाता है तकरीबन 2 lakh, 2 Indian lakh rupees, ठीक है, 2 lakh rupees इंडियन में। उसके बाद लास्ट बट नॉट इन लिस्ट, बहुत सारे पॉइंट है, मैं धीरे धीरे कवर करता हूँ मगर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्तों, तो अभी इतने ही पॉइंट्स मैंने कवर किए। लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आप कहीं पे जाते हो शॉपिंग मॉल में, कहीं पे भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, और वहाँ पे जो थर्मल टेस्टिंग होती है, थर्मल टेम्परेचर टेस्टिंग, वो भी अगर आप रिफ्यूज़ करते हो, ठीक है, कि मुझे नहीं करना है, मैं क्यों करूँ, तो आपको 20000 dirham का जुर्माना है, ठीक है। 20000 dirham कितने होते हैं इंडिया के, तकरीबन 4 lakh rupees, 4 lakh इंडियन रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने फाइन रखे है दोस्तों, तो डर के ही लोग जो है ना यहाँ पे सारे रूल्स जो है फॉलो करते हैं। किसी को ऐसा नहीं होता कि मुझे 3000 का फाइन मिले, ये लोग ना आपको गाली गलौज करते हैं, ना आपको आके मारेंगे, कुछ भी नहीं करते। अगर आपने ये रूल तोड़ा तो बस आपको फाइन लगता है, ठीक है, वो भी हंसते हंसते आपको फाइन देते, कुछ आपको बोलते नहीं है। कैसा है, दुखरी नस होती है ना, दुखती वाली नस, एक कहावत है इंडिया में, वो बस पकड़ी है इन्होंने, बस वो अगर पकड़ लेना तो बंदा सीधा हो जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे मिलते हैं तो वो मुझे बताते हैं, मुझे तकरीबन 4-5 साल पहले जो है ना एक फाइन लगा था रोड क्रॉसिंग का, उसके बाद कभी मैंने ज़िंदगी में यहाँ पे रोड क्रॉस नहीं किया है कहीं से भी। इस तरीके से यहाँ पे ये जो ना इन्होंने कंट्रोल में लाया दोस्तों, और आप भी अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो इन फ्यूचर अभी, तो इन रूल्स का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये बंदा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसलिए मैं क्यों करूँ, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फाइन लगता है, आप किसी के भी पैर पकड़ो, कुछ भी करो, वो फाइन आपको देना ही देना, ठीक है, वो फाइन पे किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे रूल्स फॉलो करें, क्योंकि जो भी कंट्रोल हो रहा है वो आपकी सेफ्टी की वजह से ही होता है, ठीक है। इस तरीके से मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।